मैं प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल, जय पराजय जिस पर कुछ बहुत आसानी से आदमी का ईमान दिखा देते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि मैंने पिछले सदन में मैं नहीं था, लेकिन मैंने बजट को पढ़ा है। मैं ढूंढ रहा था कि वह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कहीं नामो निशान है क्या। राष्ट्रवाद का भक्त प्रहलाद। नर्मदा सेवा संस्थान कटनी के संस्थापक, रक्तदान और नेत्र शिविरों के माध्यम से समाज सेवा में अग्रणी और एक नहीं दो बार नर्मदा नदी की परिक्रमा करके हर वर्ग का दिल जीतने वाले बुंदेलखंड के इस नेता ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बाजी मारी और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार पाकर राज्य मंत्री बनने का मौका पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा सीट से सांसद प्रहलाद सिंह पटेल की। केंद्र के इस फैसले से बुंदेलखंडवासी काफी उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता बन चुके प्रहलाद पटेल अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल के बाद नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में भी शामिल हुए। आखिर कौन है प्रहलाद पटेल, यह जानने के लिए हमें प्रहलाद पटेल के सार्वजनिक जीवन 1982 के पहले के पन्ने पलटने होंगे। 59 वर्षीय पटेल बीएससी एलएलबी कर फिलॉसफी में एमए कर चुके हैं। समाज सेवा और खेलकूद में रुचि रखने वाले प्रहलाद पटेल 1982 में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने और 1986 से 1990 के बीच युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। मोर्चा के जुझारू और जोशीले नेता के रूप में पहचान बना चुके पटेल ने 1979 में लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल। 1996 में एक बार फिर उन्हें सांसद बनने का मौका मिला। 1999 में तीसरी बार लोकसभा सदस्य चुने गए। इनके राजनीतिक सफर में तब एकदम उछाल आया जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में कोयला राज्य मंत्री बनाए गए। वह भारतीय जनता पार्टी मजदूर महासंघ और भारतीय जनता मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष रहकर मजदूरों के हितों के लिए लगातार काम करते रहे। पर इसी बीच इनके राजनीतिक सफर में एक ब्रेक लगा। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के खास सिपाह सलार माने जाने वाले प्रहलाद पटेल भी अपनी उमा दीदी के साथ उनकी बनाई भारतीय जनशक्ति पार्टी में चले गए थे। पर उमा भारती के भाजपा में पुनः वापसी के बाद उमा के सारथी बने पटेल की भी भाजपा में वापसी हो गई। एक बार फिर उन्हें 2014 में भाजपा ने भरोसा करके टिकट थमाया और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई। इसी को देखते हुए इस बार भी भाजपा ने उन पर भरोसा किया और इस बार वह 3.5 लाख वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे और तब इन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका भी मिला। मैं प्रहलाद सिंह मुलायम सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब देखना है कि दोबारा मंत्री बने प्रहलाद पटेल बुंदेलखंड की बिगड़ी दशा को कहां तक सवार पाते हैं। यहां की जनता उनसे काफी उम्मीद लगाए बैठी है और वे इसे पूरा करने की भी बात कहते हैं, पर यह सब भविष्य के गर्त में है। प्रहलाद सिंह पटेल को बुंदेलखंड न्यूज की शुभकामनाएं, इसी अपेक्षा के साथ कि वे बुंदेलखंड उनकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा।